नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बोटैनिका गार्डनिंग में। दोस्तों, प्लांट ना सिर्फ घर को स्वच्छ रखते हैं बल्कि यह होम डेकोर का भी एक अहम हिस्सा बन गए हैं जो आपके घर को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो ऐसे ही एक ब्यूटीफुल प्लांट की जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है जिसे लोग ताज़ी हवा के लिए भी लगाते हैं और इसका साइंटिफिक नेम सिंगोनियम पोडोफाइलम है। सिंगोनियम को एरोहेड प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। नासा ने सिंगोनियम का पौधा घर में लगाने की सलाह दी है क्योंकि ये घर की हवा को शुद्ध करता है और हवा में फैले विषैले केमिकल अंश को भी कम करता है। यह एक इजी केयर प्लांट है यानी देखभाल बहुत कम लगती है। इस पौधे को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसलिए इस पौधे को घर में कहीं भी रखा जा सकता है। सिंगोनियम की कई प्रजातियाँ होती है जिसकी पत्तियाँ अलग अलग पैटर्न और रंगों में होती है। इसकी एक लोकप्रिय प्रजाति है जिसका नाम है सिंगोनियम पिंक। इसकी पत्तियों में पिंक रंग के शेड होते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। सिंगोनियम प्लांट को खिड़की, बालकनी, ड्राइंग रूम के कोने, ऑफिस डेस्क कई बार भी रख सकते हैं या हैंगिंग में लटकने वाले गमलों में भी लगा सकते हैं। सिंगोनियम की पत्तियां खाने से तबीयत खराब हो सकती है इसलिए छोटे बच्चों से और पालतू जानवरों से इसे दूर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट के कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सनलाइट की। वैसे तो यह पौधा लो लाइट में भी स्वस्थ रहता है लेकिन हल्की धूप या सीधी न पड़ने वाली धूप इस पौधे के लिए बेस्ट है। इसे थोड़ी धूप मिलती रहे तो पौधे में वृद्धि तेज होती है और पत्तियों का रंग, पैटर्न और साइज भी बहुत अच्छा आता है। दिन भर लगने वाली सीधी धूप से इसकी पत्तियाँ खराब होने लगती है इसलिए ध्यान रखें कि इसे छत या बालकनी में रखना हो तो थोड़ी छाया भी मिलती रहे। अब बात करेंगे पानी की, तो हफ्ते में दो बार सिंगोनियम में पानी डालना काफ़ी है। पानी डालने के दो तीन दिन बाद जब गमले की मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें। और खाद, वैसे तो अगर आपने प्लांट लगाते समय एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार किया है तो आपको दोबारा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहिए तो महीने में एक बार कोई खाद पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। अगर आपको सिंगोनियम के पौधे से एक नया पौधा तैयार करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो चलिए जानते हैं सिंगोनियम के पौधे से एक नया पौधा तैयार करने के तरीके के बारे में। तो इसके पौधे से कटिंग लेकर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सिंगोनियम के किसी भी पुराने पौधे से एक तना नीचे से काट लीजिए जिसमें एक दो पत्तियां हो और कोई नई पत्ती निकल रही हो। एकदम नई पत्ती न निकली हो तो कुछ पुरानी पत्ती वाला तना भी काट सकते हैं। नोड से कुछ सेंटीमीटर नीचे से कटिंग काटें क्योंकि नोड से ही नई जड़ें निकलती है। कटिंग को सीधे गमले में लगा सकते हैं या पानी में डालकर भी तैयार कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय 50% सॉइल, 25% गोबर खाद, 25% सैंड से पॉटिंग मिक्स तैयार करें जिससे एक वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स तैयार होता है और गमले में पानी जमा नहीं होता। अगर आप कटिंग को पानी में तैयार कर रहे हो तो आप कटिंग को एक पानी भरे ग्लास में डाल दें। सिंगोनियम की कटिंग से जड़ें 1 से 2 हफ्ते में निकल आती है। जब जड़ें निकलने लगे तो इसे आप गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं। तो यह था सिंगोनियम को कटिंग से लगाने का काफ़ी आसान तरीका। अगर आपने सिंगोनियम का पौधा लगाया है या आपके पास सिंगोनियम का पौधा पहले से ही है तो आप इसकी देखभाल कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं सिंगोनियम के पौधे की देखभाल के बारे में। अगर किसी गमले में सिंगोनियम बड़ा होने के बाद ग्रोथ रुक जाए तो इसका मतलब अब इसे नए गमले में लगाने की ज़रूरत है। सावधानीपूर्वक गमले से पौधा निकालकर किसी नए बड़े गमले में लगा दे। लगभग हर 2 साल बाद सिंगोनियम को नए गमले में ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है। कम से कम 15 दिन में एक बार पत्तियों को पानी से धो दे या पानी स्प्रे कर दे, इससे पत्तियों की मिट्टी निकल जाती है। सिंगोनियम को बढ़ते समय सहारे की जरूरत पड़ सकती है तो इसे मॉस्टिक की मदद से 5 से 6 फुट ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। सही देखभाल से यह पौधा सालों साल चलता है। अगर सिंगोनियम के पौधे से पत्तियां बहुत ज़्यादा फैल जाए तो इसकी छटाई कर सकते हैं। छटाई करने के बाद यह एक सही शेप में आ जाता है। अब सबसे लास्ट में बात आती है सिंगोनियम पर लगने वाले बीमारियां और इंसेक्ट्स के बारे में। तो आज तक तो मैंने इस पौधे को कोई रोग या कीट लगते नहीं देखा है। अगर कभी मकड़ी से दिखने वाले छोटे कीड़े दिखे तो पानी से स्प्रे कर दिया करें। और अगर कभी पानी की कमी या किसी अन्य वजह से पौधा कमज़ोर हो जाए, एकदम मुरझा जाए, तो भी पानी और देखभाल से फिर हरा भरा हो जाता है। सिंगोनियम का पौधा जल्दी मरता नहीं है। तो आप भी इस
बेस्ट इंडोर प्लांट और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट को लगा सकते हैं। तो यह थी सिंगोनियम प्लांट की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।